डकैती तो बड़ा है ना भाई, डकैती तो पहले हम लोग सुनते थे, देखे तो नहीं थे ना। ये चीज मानो सुने कैसे नहीं थे, अभी 1.5 साल पहले चनोली में जो हुआ था, 1.5 साल पहले सेम इसी तरह हुआ है, वो 40-50 आदमी आया था। ये बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन के लिए चैलेंज है, हम लोग उसका कभी भी निंदा करते हैं, चाहे किसी का भी राज। संसद महोदय का धन है, संसद महोदय का नाबालिग दूध पीवा लोग इसीलिए इनको कहता है। अभी 4 महीना 3 महीना बिहार सरकार से आप होते हैं, अब आपको जमीने नहीं मिल रहा है। हाथ जोड़ रहा हूँ संसद महोदय जी, निर्लाजा छोड़िए, कुछ तो करिए, जो करता है उसी का इतिहास होता है। हमारे साथ मौजूद हैं राजद नेता राम बाबू यादव जी, चलिए इनसे हम बात करेंगे। कई सवाल उठ रहे हैं आजकल, क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कई सवाल दागे हैं RJD के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर। तो सारी जितने सवाल दागे हैं हमारे सांसद महोदय, वो सारी सवाल मैं करूंगा राम बाबू यादव जी से। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, आपका भी, आपके चैनल को भी। नेताजी, लोग जो 10 लाख रोजगार देने की बात जो कहे थे, वो आप लोग रोजगार दे चुके हैं, अपराधियों को जेल से बाहर निकाल चुके हैं, और रात में डकैती और दिन में मर्डर कर रहा है वह सब अपराधी। आप देख सकते हैं मोतिहारी में क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि संजय जायसवाल जी बेतिया लोकसभा के 3रा बार वह सांसद हैं, और आज जो 2 डकैती हुई हुआ है 1 सप्ताह पहले महदेमा और भेला, आज से 7 महीना 8 महीना पहले पंचपोखरिया में उसी तरह डकैती हुआ था, चनोली में 1.5 साल पहले उसी तरह हुआ था, छमड़ा दानु खुद हरकत में 1.5 साल पहले उसी तरह हुआ था। उस समय जब आप काहे नहीं दे रहे थे, रह गया ही बात जेल से छोड़ना। कोई भी सरकार, कोई भी हो, वह नियम के आधार जो संविधान में नियम है, हमने देखा कोई हाई कोर्ट के वकील से कोई पत्रकार महोदय सवाल कर रहे थे, कहा कि नहीं, जितने भी कैदी जो छोड़े गए हैं वह नियम के, संविधान के अनुसार छोड़ा गया है। हमारे संविधान में है, कानून में है कि आजीवन करवास, मतलब कि आजीवन करवास के मतलब होता है 14 या 16 साल, उतना वो लोग खट चुका है। रह गया कि हम लोग यहाँ कुछ कानून के ढीलाशीली कहिए या जो कहिए, हिंदुस्तान में जो है जिसे जमीने विवाद लंबा चलते रहता है, उसी तरह कुछ ऐसा है जो जिसको लमड़ाया जाता है, जेल में जाइएगा तो बेल हो गया, उसका हो गया है, आज जमानतदार नहीं है तो यही 6 महीना से साल भर से पड़ा हुआ है। नेताजी, उन लोगों का सही कहना है कि डकैती तो बड़ा है ना भाई, डकैती तो पहले हम लोग सुनते थे, देखे तो नहीं थे ना। ये चीज मानो सुने कैसे नहीं थे, अभी 1.5 साल पहले चनोली में जो हुआ था, 1.5 साल पहले सेम इसी तरह हुआ है, वो 40-50 आदमी आया था। अभी 7 महीना पहले अभी NDA के सरकार था, ये महुआबा थाना में जीत कहीं आ, सेम उसी तरह हुआ है, यही जंग कुदरकत में हुआ है दरबार में। तो मतलब कि उन लोगों के सरकार में यदि होता है तो आपके सरकार में भी होता। सबसे बड़ी बात है, जान लीजिए कि डकैती ये बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन के लिए चैलेंज है। मैं ही नहीं कहता हूँ कि हाँ वो लोग क्या करता था ना ही करता था, कोई भी क्राइम होता है वह पुलिस प्रशासन के लिए चैलेंज है, जान लीजिए। हम लोग उसका कभी भी निंदा करते हैं, चाहे किसी का भी राज हो, लेकिन मैं MP साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप MP हैं, रक्सौल में, रामघरवा में, सुगौली में, इधर लगता है कहीं आदापुर, जो कोई हमारे क्षेत्र का MP है, एक भी ऐतिहासिक कोई काम बतलावे संजय जायसवाल जी, माननीय सांसद जी, कि 3 बार के आप सांसद हैं, कोई आप ऐतिहासिक काम कोई किए हैं। अच्छा नेताजी, आप सरकार आपकी हो या किसी की हो, लेकिन आप बोल देते हैं, जैसे आपकी सरकार है लेकिन दारू के खिलाफ आप खुला बोल रहे थे, तो आप बोलते हैं, लेकिन क्या जो मोतिहारी में कल हुआ है 3 बजे के करीब में, कुछ जब घटना हुआ है, 5 लोगों पर गोली चली है जिसमें 1 आदमी का मौत हो गया है और 4 आदमी मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं, क्या वो सही है? वो जमीनी विवाद है,
और हमको जहाँ तक सूचना मिला कि आदमी मरा नहीं है, हमको वहाँ बात हुआ है एक आदमी से, एक पत्रकार साहब से, तो कहे कि जमीनी विवाद है, आपस के विवाद है लोग के जमीनी के। बिहार में अभी जान लीजिए, और राज्य में तो मैं नहीं बतलाऊँगा, बिहार में अभी अधिकांश विवाद जो है खाली जमीन के वजह से है, आ उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रशासन के भूमिका हो जाता है गड़बड़, वो अंचल का हो थाना का हो, सही से वो लोग नहीं कर पाते हैं, विवाद उसी पर बढ़ जाता है। अगर जमीनी विवाद बिहार में अगर समाप्त हो जाए तो बिहार में जान लीजिए कि विवाद खत्म हो जाएगा मारपीट झगड़ा का। और मोतिहारी में ही जान लीजिए, आज से ना पहले से हम लोग के रक्सौल में आप सुने होइएगा जमीनी विवाद में गोली वोली नहीं चलता है, मोतिहारी में हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, 85 ऐसे कुछो बात होता है वहाँ, तो वहाँ लोग गोली चला देता है जमीनी विवाद में, लेकिन उसमें अरेस्ट भी हुआ है, लोग जो लोग गोली चलाया है अरेस्टिंग भी हुआ। तो आपका कहना है कि कानून व्यवस्था चरमराया नहीं है, ठीक है, जमीनी विवाद के कारण हुआ है, जमीनी विवाद के चलते हुआ है। और एक चीज और मैं बतला देना चाह रहा हूँ, देखिए प्रशासन अगर टाइट नहीं रहता, हरैया में एगो वहाँ एथी के मैंने चोरी हो गया था, चोरी हो गया था जो छोटा सा वहाँ एथी रहता है कोई सेंटर, और उसमें रिकवरी हुआ है, सामान का रिकवरी हो गया, दो आदमी को अरेस्ट करके भेज दिया गया, ये अभी जो डीजीपी जो है हमारे बिहार के, वो आदमी बहुत ऑनेस्ट है, लॉ एंड ऑर्डर मामला में वह कभी किसी से कोई समझौता नहीं करता है, किसी भी राजनेता के दबाव में नहीं रहता है वो। कटगेनवा में भी एक दिन डाकू लगाया था लेकिन गांव के लोगों ने उनको भगाया। देखिए कटगेनवा में हम सुने हैं जे ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन फिर हम लोग पता किए तो कह रहे कि नहीं, कोई कह रहा था जे बोल का जे मवेशी बोल का तपाने वाला सब था, जे मवेशी बोल का ले जाता है सब, अब रात के समय था बोल का जे हम लोग बोल का जे अगर डकैत रहता तो जिस तरह हम लोग बोल का खेत खाद करते तो बोल का गोली या बम चलाता, बाद में वो डिटेक्ट हो गया कि भैंस वैंस मवेशी ले जाने वाला लोग था। एक और सवाल है, आप लोग रक्सौल में जो दो दो ओवरब्रिज पड़ा हुआ है ऐसा ही, उसके लिए आप लोग जमीन क्यों नहीं दे पाते हैं? सांसद साहब का साफ कहना है, धन है सांसद महोदय का, धन है सांसद महोदय का, नाबालिग दूध पीवा लोग इसीलिए इनको कहता है। अभी 4 महीना 3 महीना बिहार सरकार से आप हते हैं, अब आपको जमीने नहीं मिल रहा है, बिहार सरकार जमीने नहीं दे रहा है, 4 महीना पहले तक आप सरकार में थे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं सांसद महोदय, गलत क्यों बोल रहे हैं, क्यों गलत गुमराह कर रहे हैं जनता को, मीडिया के सामने काहे पब्लिक को ठग रहे हैं, कहीं बिहार सरकार आनाकानी नहीं कर रही है, हमने बात किया है, हमको कल जानकारी हुआ इस चीज़ को, हमने बात किया, कहीं बिहार सरकार जमीन देने, अगर बिहार सरकार है ना उन्हें करता, मोतिहारी में कैसे बन रहा है, सुगौली में कैसे बन रहा है, पहले का कैसे बन रहा है, जब बात है भाई, अगर इनको अगर पुल बनवाना रहता, यहाँ रेल मंत्री उस समय लालू यादव होते थे रेल मंत्री जी, उस समय शिलान्यास किए हुए थे, इनको कुछ नहीं करता, ठीक है वो हट गए, ये जब सरकार में आए बनवा देते। देखिए मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ, एक भी कोई ऐतिहासिक कार्य बतलावे कि अपने संसद कोटा से इनको इनको एक साल में 5 करोड़ मिलता है, क्या करते हैं 5 करोड़ बतलावे ना, जो साल एक साल में जब 5 करोड़ रुपया मिलता है क्या करते हैं बतलावे ना, जो क्या करते हैं, खाली लूट खसोत, सिर्फ लुटाई ही लुटाई है सांसद महोदय जी का, और कभी मोदी के नाम पर कभी पार्टी के नाम पर, इनका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है। अच्छा नेता जी एक मिनट, आप कहते हैं इंटरसिटी चलते नहीं करता है, सांसद जी कहते हैं इंटरसिटी चलता है, अगर इन इंटरसिटी रक्सौल से रामघाड़वा सुगौली मोतिहारी जाता है तो ये हमको बतला ना दीजिए कहाँ चलता है, काहे नहीं चल रहा है सांसद महोदय जी, अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो आ रहा है धोवाने के लिए, साफ सुथरा होने के लिए रक्सौल आ रहा है, लेकिन पसेंजर लेके तो नहीं जाता है, रामघाड़वा तो नहीं रुकता है, सुगौली में पसेंजर नहीं उतरता है ना चढ़ाता है। सांसद महोदय जी आने वाला दिन आ जान लीजिए, और ये रक्सौल की जानता, हम तो जान रहे हैं कि लोग जब चुनाव आएगा तो ऊपर नीचे, मैं अभी दल जमात से अलग हट के बात करता हूँ, एक रक्सौल के नागरिक होकर बात कर रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ सांसद महोदय जी, निर्लाजा छोड़िए,
कुछ तो करिए, जो करता है उसी का इतिहास होता है।